गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलो एलियंस के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हेलो एलियन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि डिफरेंट होती है एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज से। खासा डिफरेंस होता है एल्काइल हैलाइड और हेलो एलियन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। अल्दो दोनों में हेलोजन ही होगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह जो काम करेगा, सब्स्टिट्यूट कह लो, हेलोजन ही होगा, बट फिर भी बेंजीन रिंग आ जाने की वजह से, अरे भाई हेलो एलियंस में क्या होता है, जो हेलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो बेंजीन रिंग आ जाने की वजह से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हेलो एलियन की डिफरेंट हो जाती हैं, किससे, एल्काइल हैलाइड से। इसलिए हम हेलो एलियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलियंस, हेडिंग लगाएंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलियंस। और मैं आपको बता दूं कि जो हेलो एलियंस होंगे वो तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद हो तो एल्काइल हैलाइड भी कर रहे थे, सही कह रहा हूं मैं, अरे एल्काइल हैलाइड भी तो कर रहे थे, SN1 और SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड ये शो करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, वो भी कर रहे थे, रिएक्शन विद मेटल्स। और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन ये शो करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद हो तो मैंने आपको बेंजीन बनाने का मेथड, हेलोजन बनाने का मेथड पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगा। आई रिपीट, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे हेलोजन, ये हेलोजन की वजह से नहीं देंगे, किसकी वजह से देंगे, बेंजीन रिंग की वजह से। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। जहां बेंजीन रिंग आएगा वहां 90% केसेस में कौन सी रिएक्शन आप देखने को मिलेगी आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्दो हेलोजन इफेक्ट डालेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हेलोजन इफेक्ट नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर, बट कम डालेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, ज्यादा बात डिपेंड किस पर करेगी, बेंजीन रिंग पर। क्लियर हो रही है बात मेरी, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए मुझे कि कम डालेगा, खूब सारा इफेक्ट डालेगा, पर एक्चुअली में रिएक्शन किसका है, बेंजीन रिंग का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लगभग हर चैप्टर में पढ़ोगे, हेलो एलियंस में पढ़ोगे, आप फिनोल्स में पढ़ोगे, ठीक है, हम बेंजीन की आईडी बात करेंगे, हम एसिटोफिनोन की बात करेंगे, मतलब जहां आएगा बेंजीन रिंग वहां हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। क्लियर होती है बात मेरी, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे दोबारा, घबराना नहीं है इसको देख के। अच्छा, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो देखो होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर मेरे पास है हेलो एलीन, यही होगा हेलो एलीन, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया है ना, न्यूक्लियोफाइल आया, यहां से निकला एक्स माइनस, अरे भाई एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां से निकला एक एक्स माइनस, यहां से अटैक किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है, और बाहर निकला क्या, एक्स माइनस, इसी को तो कह रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल आए, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाए, क्या कहलाएगी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड भी दे रहे थे, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज के हेलो एलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं बोर्ड पे, हेलो एलियंस आर मच लेस रिएक्टिव, मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब सर कि हेलो एलियंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, या बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहूं तो हेलो एलियंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद नहीं करते। लिखने को मैंने कॉपी में लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया कि एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक्स माइनस को निकाला, और क्या बना हमारे पास, एक नया कंपाउंड बाय द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ ना यहाँ पे, बट एक्चुअल बात क्या है कि हेलो एलियंस आर वेरी मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पसंद ही नहीं करते देना।
ये चाहते ही नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे, जबकि एल्काइल हैलाइड हमने पढ़े थे वो बेहतरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे थे। आपको याद हो तो हमने 4-5 लेक्चर कर दिए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए केवल, ठीक है, बहुत सारे सवाल भी उसमें लगाए थे और कुछ बच्चों के डाउट भी थे, डाउट भी थे जब मैं कंपैरिजन करा रहा था, जब मैंने ऐसा कहा था कि हेलो पेरेंट्स, कंपैरिजन कर रहे थे हम रेट का कि कौन जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, कौन जल्दी SN1 देगा या कौन जल्दी SN2 देगा, तो उसमें हमने देखा था कि हेलो पेरेंट्स बहुत बाद में आ रहे थे, हेलो पेरेंट्स बहुत कम रिएक्टिव हो रहे थे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम था। क्लियर हो रही है बात? और एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें मैंने कही दिया था कि हाँ यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोरिन नहीं देगा, जबकि जबकि इसके पास x है, x माइनस की फॉर्म में जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है, बट मैं कह रहा था कि ये नहीं देगा। अब आज पढ़ेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सुनो, बेंजीन रिंग की वजह से ऐसे समझते हैं इसको, हेलोरिन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देने का दो रीजन है, एक भी नहीं, ना देने के दो रीजन है। कौन कौन से? सबसे पहला रीजन सुनो, इसका रेजोनेंस। सबसे पहला रीजन क्या है सर? रेजोनेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये रेजोनेंस शो करेगा? बिल्कुल करेगा सर। देखो कैसे सर, यहाँ कंजुगेशन है एक्स, और एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 3। अरे हेलोजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है, तो कंजुगेशन तो नजर आ रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन नजर आ रहा है, तो सर रेजोनेंस शो करेगा। अच्छा बनाते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, क्लियर हो रही है बात? क्या बनेगा देखो जरा क्या बनेगा सर, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बोन एच, और साथ में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि हेलोजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा ये बोन्ड ऐसे कैसे? फिर सर आगे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, अरे आता है ना सबको रेजोनेंस बनाना, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, ठीक है, क्या बनेगा देखो जरा, क्या बनेगा सर? ये नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ, डबल बोन एक्स, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? फिर सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्लियर हो रही है बात मेरी? और सर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बोन एक्स प्लस, बोलो क्लियर, ठीक है। फिर सर फाइनली ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, हेलोजन, क्या बनेगा सर? डबल बोन सिंगल बोन एक्स, बोलो क्लियर होती है बात मेरी? और इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, बोलो क्लियर होती है बात मेरी? यही रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर होगी किसकी? हेलोजन की। अच्छा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और बना देते हैं, सर डबल बोन घुमा पूरी रिंग में, ठीक है, फिर सर पार्शियल नेगेटिव यहाँ, अरे देख लो पार्शियल नेगेटिव इस पोजीशन पर और पार्शियल नेगेटिव इस पोजीशन पर, सर एक्स पर आया पार्शियल पॉजिटिव और साथ में आया डबल बॉन्ड कनेक्टर, बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, ध्यान से देखो रेजोनेंस हाइब्रिड को, यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्लियर हो रही है बात मेरी? कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या खुद से सोचो इस हेलोजन का निकल के जाना आसान है? अरे भैया होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ये निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस, क्या यहाँ एक्स माइनस की फॉर्म में इसका निकलना आसान है? नहीं, क्योंकि यहाँ ये जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पे, क्लियर हो रही है बात? मैं लिख देता हूं इस बात को कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बोन्ड करेक्टर, डबल बोन करेक्टर, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ एक्स माइनस, बोलो क्लियर होती है बात की नहीं? यहां पार्शियल डबल बोन करेक्टर आया इसीलिए ये एक्स एक्स माइनस की फॉर्म में नहीं जा पाएगा, एक रीजन। दूसरा सुनो अच्छा इधर देखो, यहाँ पर कोई सी भी स्ट्रक्चर उठा लो, इसको देख लो किसी को भी देख लो, यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना, 3 सिग्मा, देखो इसको देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2,
क्लियर हो गई बात भी। अच्छा आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन की। अरे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होती है ना, याद करो सर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। क्या बताया था सर ने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना है 50%, sp2 में एस कैरेक्टर कितना हो जाता है कम, और sp3 में इसमें 33% हो जाता है, और sp3 में एस कैरेक्टर कितना हो जाता है 25%। क्लियर है? तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा सर, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये ग्रेटर देन ये, इज ग्रेटर देन ये। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा एल्काइल हैलाइड को याद करो, एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड था, सिंगल, चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। क्लियर हो गई बात मेरी? तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3। यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो क्या इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ नहीं गई होगी एल्काइल हैलाइड के कार्बन के कंपैरिजन में? आर यू गेटिंग दिस और नॉट, कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी कि नहीं एज कंपेयर टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। sp3 था वो, यहां कैसा है sp2, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी इन दोनों के बीच में कुछ डिक्रीज कर जाएगी, है ना? अरे ध्यान से सुनो भाई, c और h। अब मैं जाता हूं एल्काइल हैलाइड पर, तो चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। ठीक है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ थे, हैलोजन की तरफ, किसकी तरफ थे, हैलोजन की तरफ, तो हैलोजन के लिए आसान था x- के फॉर्म में निकलना। क्लियर? यहां क्या सिचुएशन है, यहां क्या सिचुएशन है, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड x, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये रिलेटिवली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कार्बन की तरफ भी होंगे, हाँ हैलोजन की तरफ ज्यादा होंगे, पर पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा कार्बन की तरफ खिसक गए होंगे। क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां इस रीजन से भी हैलोजन का एक्स माइनस की फॉर्म में निकलना क्या आसान है, नहीं है। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इन दो रीजन की वजह से, इन दोनों रीजन की वजह से, दोनों रीजन की वजह से ये जो हैलोजन है एक्स माइनस की फॉर्म में नहीं निकल पाता। क्लियर है बात मेरी? इसीलिए मैंने कहा कि हैलोजन्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एवं मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हैलोजन्स नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं। मैंने क्या कहा, हैलोजन्स नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक, आई एम रियली सॉरी मैं गलत बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं। क्लियर हो गई बात मेरी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद ही नहीं करते। बट अगर आप ड्रेस्टिक कंडीशन कर दो कि नहीं मुझे तो करवानी है रिएक्शन, तब ये कुछ रिएक्शंस दे देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कुछ रिएक्शन दे देते हैं, तो वो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख देंगे हम इसके बाद। अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन, ड्रेस्टिक मतलब हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, आप मजबूर करो इनको कि रिएक्शन देने देनी पड़ेगी आपको, तो ये रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन, ड्रेस्टिक कंडीशन हेलोएरिंस अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जनरली ये एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में इनकी जो ये देते हैं, विच इज सब्स्टिट्यूशन बाय OH-। अरे OH- एक न्यूक्लियोफाइल है ना, उससे सब्स्टिट्यूशन ये देते हैं और बनता है फिनोल। क्या बनता है, फिनोल। सुनो ध्यान से, क्या है मेरे पास, एक ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में इसकी, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैंने इसको रिएक्ट कराया विद NaOH, इसके साथ NaOH। अब आसानी से तो देगा नहीं, NaOH लेते हैं एक्वस, ऐसे लेते हैं एक्वस, अब आसानी से तो देगा नहीं है NaOH के साथ, तो हम क्या करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, और 300 ATM प्रेशर। देखो कितना ड्रेस्टिक कंडीशन है,
है ना, इंडस्ट्री में आप इतना टेम्परेचर दे सकते हो, अपनी लेबोरेटरी में नहीं। ठीक है, होगा क्या, ये NaOH में से H प्लस सी एल माइनस को ले जाएगा, H प्लस सी एल माइनस को ले जाएगा, क्या बनेगा, ओ एन ए इसके साथ जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा ओ एन ए। नाम क्या है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। नाम को समझना, ये क्या है, फिनो, ठीक है, फिनोल के एच को हटाओ, क्या जोड़ दो, Na। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर है बात मेरी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं, अरे भाई सुनो सुनो, इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल में से एच प्लस निकला तो जो बचा उसको क्या बोला, फिनोक्साइड आयन, इसमें आके जुड़ा Na, तो इसको क्या बोला, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, सुन लो फिर से, यहां से ONO जाएगा, Cl- को निकालेगा, ये H+ के साथ निकल लेगा HCl की फॉर्म में, ठीक है, NaO इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आप डालते हो इस रिएक्शन में HCl, क्लियर हो रही है बात में, HCl डालते हो तो यहां से निकलेगा NaCl, ठीक है, और यहां आ जाएगा H, फिनोल फॉर्म हो जाएगा लास्ट में, क्या बन जाएगा, फिनोल, लास्ट में क्या बन जाएगा, फिनोल। क्लियर हो गई बात मेरी, ये फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। अब क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं फर्स्ट इन विद NaOH 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर, पहले क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, फिर उसका HCl के साथ डाइल्यूशन कराने पर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में। क्लियर हो गई बात मेरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन वाली कॉपी में आएगा, इसको क्या कहते हैं हम, डाउस प्रोसेस। क्लियर हो गई बात मेरी, मुझे पता है बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में है कि सर ये एच प्लस कैसे जुड़ा इसके साथ, डायरेक्ट OH आपने क्यों नहीं जोड़ दिया, ठीक है, वो हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म से, और इसका मैकेनिज्म हम जब पढ़ेंगे जब हम फिनोल को डिस्कस करेंगे। अरे फिनोल के प्रिपरेशन मेथड में वापस आएगा ये रिएक्शन, फिनोल के फिनोल का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो वहां ये रिएक्शन वापस आएगा। इस चैप्टर के बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आपको आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, तो ये एक मात्र न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था बेंजीन का, हमारी हेलोजन का एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो मैंने आपको कराया, ठीक है। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन इसकी हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि भैया होता क्या है, हेलोजन्स ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद नहीं करते, उसके पीछे दो रीजन है, एक तो सी और एक्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, दूसरा रीजन हमने पढ़ा कि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, किस रीजन से, कि यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है जबकि अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्लियर हो गई बात मेरी, इसलिए वो x- की फॉर्म में हैलोजन को आसानी से जाने नहीं देता, और एक रिएक्शन हमने पढ़ा इसका डाउस प्रोसेस। क्लियर है बात मेरी, ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, विच इज रिएक्शन विद मेटल। थैंक यू।